नहीं भीड़ बिल्कुल जो भीड़ का मिजाज दिख रहा था रैली की जो तस्वीरें आई हैं या वीडियो आई है उससे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि इनको कहीं से जुटाया गया है वो स्वतः भीड़ थी पार्टी के उत्साहित कार्यकर्ताओं की भीड़ थी और समाजवादी पार्टी के सामने मुझे लगता है बड़ी चुनौती पूर्वांचल की जो बहुत भीड़ भरी रैलियों और रोड शो और विजय यात्रा के बाद ये थी कि कैसे बुंदेलखंड में भी उसको आप रिपीट करें और मुझे लगता है कि उस चुनौती को समाजवादी पार्टी ने उसके कार्यकर्ताओं ने गंभीरता से लिया और आज जो तस्वीरें दिखाई पड़ी हैं वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को उत्साहित करेंगी और मुझे लगता है कि जो बात हम लोग करते रहे आपके कार्यक्रम में भी लगातार कि तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में समाजवादी पार्टी लगातार अपनी स्थिति कॉन्सोलीट कर रही है बुंदेलखंड की यात्रा और आज की रैली की भीड़ ये साबित करती है दोबारा देखिए बुंदेलखंड उत्तर समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बंजर किस्म की धरती रही है पॉलिटिकली मतलब स्थिति यह रही है कि पार्टी के बनने के बाद 2012 में जब समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में आई थी तब भी बुंदेलखंड की 19 में से पांच ही सीटें जीत पाई थी समाजवादी पार्टी और आज की तारीख में तो उनका कोई विधायक भी नहीं कोई सांसद भी नहीं है बुंदेलखंड भाजपा का एक छत्र राज है इस समय उनके सारे विधायक भी वहां से जीते सारे सांसद भी जीते हुए हैं तो वहां पर इतनी भीड़ भरी रैली करना और सरकार और सत्ता को ललकारना मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के संदर्भ में उत्साहित करने वाली घटना है लेकिन अब ये है कि बार बार एक बात आती है कि भीड़ वोट का पैमाना नहीं हो सकती है लेकिन इन सब के परे भी मुझे लगता है कि जो शो आज का था और तीन दिन लगातार अखिलेश यादव का वहां पर कार्यक्रम है बांदा महोबा ललितपुर और झांसी इसमें अगर आप देखें तो ललितपुर और महोबा तो ऐसे जिले हैं जहाँ समाजवादी पार्टी का कभी कोई विधायक ही पिछले तीन चुनाव में नहीं जीता है बिल्कुल जीरो खाता रहा है तो मुझे लगता है कि रणनीति के साथ पार्टी चल रही है अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो जो समाजवादी पार्टी ने जिनके साथ गठबंधन किया है या अखिलेश यादव की विजय यात्रा के पहले जो यात्राएं समाजवादी पार्टी ने निकाली थी पिछले चार छह महीने में उसमें रिपीटेडली मतलब एक के बाद एक ऐसी यात्राएं बुंदेलखंड में पहुंची थी बूथ स्तर पर भी काफी काम करने का प्रयास किया समाजवादी पार्टी ने लेकिन बुंदेलखंड चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए वहां का जो जाति का समीकरण है वहां के जो चुनावी समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ठोस तरीके से 2012 हजार के अलावा कभी नहीं आए है मुझे लगता है कि 2017 में जो 19 सीटें हैं इसमें चूंकि कांग्रेस से गठबंधन था तो नौ सीटें कांग्रेस लड़ी थी और दस समाजवादी पार्टी मुझे लगता है कि और उन दसों सीटों पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर थी मतलब ये भी एक रोचक जानकारी है मुझे लगता है कि इन सारी सीटों को टारगेट ज्यादा गंभीरता से कर रहे हैं और वो इन्हीं सब यात्रा पथ में फैले हुए हैं जहां पर अखिलेश यादव जा रहे हैं उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत भी आपको याद होगा कानपुर से करने के बाद दो जनपदों को उन्होंने छुआ था और अब उसके बाद ये दूसरी बार गए हैं तो मुझे लगता है कि बुंदेलखंड की लड़ाई इस बार रोचक है क्योंकि वहां पर भाजपा की तो अपनी ताकत है ही है बसपा वहाँ एक अच्छी ताकत रखती है तो दो का चुनाव मुझे लगता है कि बुंदेलखंड रोचक नतीजे लेकर आएगा क्योंकि कोई पार्टी इन उन्हीं सीटों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं सबकी अपनी रणनीतियां हैं और आज का अगर हम कार्यक्रम देखें मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अतीत को भुला करके बुंदेलखंड को नए तरीके से शायद अपने पक्ष में करने के लिए उतरी है आज की रैली की भीड़ तो यही बता रही है कि इसमें फिलहाल तो समाजवादी पार्टी कामयाब होती दिखाई दे रही है आगे यात्रा जैसे बढ़ेगी विपक्षी दल आगे कैसी रणनीति अपनाते हैं बुंदेलखंड देखना रोचक होगा मेरा मानना है जी सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर